कुकिंग हो चुका है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से और एक नया ब्लॉग पे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ अभितुर का घर पे। तो अभितुर भी बाजार से आ चुका है। वो तो क्या क्या सब्जी लेके आया है आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। आज का वीडियो बस कुकिंग का होगा और खाने का होगा, बस दोनों का होगा, क्योंकि ऐसे कुछ तो नहीं बनाएंगे हम, ऐसे है ही नहीं बनाने के लिए। तो मैं ऐसे एक दिन गैप गैप कर रही हूँ, वीडियो नहीं बना, घर में बहुत सारा काम था तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ। और काम वगैरह ख़त्म हो चुका है तो मैं यहाँ पर आई हूँ। तो अभी चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे लेके आया ये ड्राई फिश और ये बनाना फ्लावर, यहाँ पे है बैट और यहाँ पे पक्का वाला बैंगन भी लेके आया, और यहाँ पे है फर्क और ये बैंगन और ये टमाटर भी लेके आया, मिर्जेंगा पत्ता। बैंगन का साथ खाएंगे आज हम लोग। तो यहाँ पे मैंने वो ड्राई फिश, नमक, हल्दी, मिर्ची सब कुछ दिया है, ये मिर्जेंगा पत्ता और बैंगन देना, और चावल तो मैंने पहले से यहाँ पे दे दिया, तो पक भी गया होगा। और मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा मिर्ची डाला है, आप लोग शायद देख रहे होंगे ना, रेत रेत हो गया है मिर्ची। और ये फाइनली कुकिंग हो चुका है, अभी बाहर निकालते हैं। बहुत ही टेस्टी हुआ है गाइस। फाइनली दोस्तों कुकिंग हो चुका है। और मैं आज खाऊंगी टमाटर की चटनी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने धनिया पत्ता भी दे दिया है, ये लोकल धनिया पत्ता है। और इसमें हम ड्राई फिश के साथ जो यहाँ पे मिर्ची का चटनी बनाया था, यहाँ पे डाल लूंगी। और इसमें मैंने थोड़ा सा वो नमक दे दिया, स्वाद का अनुसार ही नमक डालेंगे। खाना भी बन चुका है तो अभी हम खाना निकाल लेते हैं, उसके बाद खाएंगे खाना। बहुत ही तेज भूख लग रहा है मुझे। तो दोस्तों अभी शुरू करते हैं। बैगन का सब्जी बहुत ही टेस्टी हुआ है।
तो खाना खाने के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं मौसम्मी लेने के लिए, और मैंने पहले से दो तो तोड़ के रख दिया है। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा है मौसम्मी, यहाँ पे भी है और इस तरफ भी है और उस तरफ भी है, बहुत ही ज़्यादा है। ये बड़ा वाला तोड़ूंगी मैं, यहाँ पे है। वहां से तोड़ो ना, वहां पे बड़ा बड़ा वाला है। यहाँ से उधर देखो ना, ये वाला, वो वाला, ये वाला, वो हाँ वही वाला, ये हाँ। हम लोग बस इतने ही तोड़े हैं, ज़्यादा नहीं तोड़े हैं, जितना खा पाएंगे उतना ही, नहीं तो फिर से और काल लेने आएंगे, काले तोड़ेंगे। बहुत भारी है ये, क्योंकि इसका सिल्का बहुत मोटा मोटा है ना, इसलिए वो संतरा का जैसा नहीं है। तो गाइस मौसम्मी वगैरह भी खा चुके हैं, तो हम लोग जाएंगे अभी मार्केट में, थोड़ा घूमेंगे और कुछ सामान भी लेना है मुझे, तो वहाँ से सामान वगैरह लेके आते हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं कालू, कालू आते समय बिस्कुट लेके आएंगे कालू आके के लिए ना। कालू 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 मच्छर देखो इधर उधर घूम रहा है। तो पहुँच गया है दुकान में, जो मैं खाती हूँ वो तो ख़त्म हो चुका है, पर यहाँ पर बचा मुझे इतना पसंद ही नहीं है। बिस्कुट खाने के लिए हम लोग बोल के गया था बिस्कुट लेके आएगा, ए जाओ हरो 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 म्यूजिक हुआ म्यूजिक कालू कालू। तो गाइस हम लोग मार्केट से भी आ चुके हैं और अभी तो शाम का टाइम भी हो रहा है, तो खाना बनाना है मुझे। ये देखिए ना फोई हाक, कल ही खाएंगे ये, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है, अभी तक तो फूल वगैरह नहीं निकला है, फूल और भी ना दोस्तों, मुझे फूल ही टेस्टी लगता है। आज तो घर में सब्जी सब्जी है, इसमें मूली वगैरह भी है और बैतूल जी लेके आया था बाजार से, वो भी है बैत वगैरह, और मैंने इसके लिए इसको क्या बोलते हैं केक, हाँ ये भी ला दिया है, और यहाँ पे वो है बिस्कुट भी है, खाओ बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं ना हम लोग। और यहाँ पे मैं बैगन और बनाना फ्लावर और मूली और मिर्चा का पत्ता चार सब्जी मिक्स करके बना रही हूँ। और मैं अभी बनाऊंगी ये बैद, इसमें नमक हल्दी मिर्ची सब कुछ डाल दिया है, ड्राई पेस्ट भी, ये तो बना कर रेडी कर दिया है। तो बैद का सब्जी भी रेडी हो चुका है, और खाना खाने के लिए ये थाली दुला रहा है, तो अभी खाना निकालेंगे। बस हम लोग खाना भी खा चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नया वीडियो के साथ। तो दोस्तों गुड नाइट और बाय बाय भी।